देखिए, वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल गैर जरूरी बात जो है उन्होंने इस प्रकार से उठाई है। जहाँ महिलाएं नए आयाम स्थापित कर रही, चाहे कुश्ती का क्षेत्र है जिसमें एक टाइम में पुरुष ही होते थे, लेकिन आज लड़कियों ने पूरे देश का, जिस प्रकार पूरी दुनिया में मान सम्मान बढ़ाया, हरियाणा की बेटियाँ, वो अपने आप में बहुत गौरव की बात। जहाँ पहले सेना में महिलाएं नहीं होती थी, फिर सेना में महिलाएं आई, लेकिन वो ऑफिसर नहीं होती थी और उनको कमांड की इस प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दिया, लेकिन वर्तमान सरकार ने उस प्रकार की भी जिम्मेदारी आज उनको दी है। आज लड़ाई में नेतृत्व महिलाएं करेंगी। तो ऐसे दौर में अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात उठाता है तो मैं समझता हूँ उसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नियम जो है ना, ये पहला जो पिछली सरकार थी उसी के टाइम का नियम है और 1998 से नियम लागू है। 2013 में इन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, इन्हीं नियमों के इन्हीं मापदंड पे ही फॉरेस्ट की भर्ती की गई, उस टाइम भर्ती हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये भर्ती हमने अभी शुरू करी, और ऐसा भी नहीं है कि ये नियम केवल हमारे यहाँ, पंजाब में भी यही नियम है, हिमाचल में भी यही नियम है, और देश के 7 स्टेट ऐसे हैं जहाँ इन नियमों के तहत ही भर्ती हो रही है। लेकिन ये लोग जो हैं, क्योंकि आज हरियाणा सरकार जिस प्रकार से भर्ती कर रही है, नौजवानों को रोजगार दे रही, तो ये कुछ ना कुछ बाधा इन्होंने डालनी है। कोई भी काम होगा, ये नेगेटिव अप्रोच के लोग हैं, मतलब हद तो तब है जब कोरोना की वैक्सीन बनी तो कोरोना की वैक्सीन पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया था। तो ये तो ऐसे लोग हैं कि कोई भी काम अगर होता होगा तो उस पर इनका सवाल खड़ा करना, ये समझता है कि हमारा अधिकार है और हमें खड़ा करना ही चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना ही चाहिए। 370 रुपये आपने देखा कितना शोर मचाया, लेकिन वहाँ के लोगों को तो पूछ लो, और आज जिस होटल में बैठे हम, इसके मालिक से पूछ लियो या किसी फैक्ट्री वाले से पूछ लियो जितने कि GST का फायदा है कि नुकसान, जो भी आपको मिलेगा वो कहेगा 10 साल पहले GST लगनी चाहिए थी, लेकिन इनके राहुल गांधी तो आज भी GST की आलोचना कर रहे हैं, जिससे देश की प्रगति होती है। ये हर चीज़ में उसमें बाधा डालने का प्रयास करते हैं। तो जो नियमों का पालन किया गया, वो नियम पहले से थे और इनके टाइम से थे, उन्हीं नियमों का पालन करके भर्ती की गई। और मैं समझता हूँ जो लोग भर्ती करने वाले उनका कोई इतराज नहीं, ये केवल और केवल सुरजेवाला जी का इतराज है। सर, कुमारी शैलजा ने भी कहा कि पहले महिला खिलाड़ियों को जलील किया गया और अब इस तरीके का फैसला। किसी महिला खिलाड़ी को आज तक कोई जलील नहीं किया गया, जितना मान सम्मान वर्तमान सरकार ने दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, खिलाड़ियों को सम्मान दिया, आज तक नहीं। आज से पहले क्या था, पिछली सरकार में सीधा भाई भतीजावाद था खिलाड़ियों के बारे में, लेकिन हमने पॉलिसी बनाई थी कि अगर ये मेडल लेकर आएगा तो ये चीज़ उसको मिलेगी, ये लेकर आएगा तो ये उसको मिलेगा, और छोटे लेवल से भी अगर वो डिस्ट्रिक्ट खेल के कोई नाम कमाता है उसको ये बेनिफिट दिए जाएंगे, स्टेट खेल के अगर नाम कमाता है तो उसको ये बेनिफिट दिए, और वो नियम बढ़ा दिया और उसमें कोई भी आदमी कोई किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करता। क्योंकि हमारी सोच है कि हरियाणा के जो 2,85,00,000 लोग हैं, सारे के सारे मारे लोग हैं, सारे बच्चे भी मारे हैं, खिलाड़ी भी मारे हैं, सबके लिए हम काम करें।